हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीई। आज मैं आपको एक वीएफडी से तो वर्किंग मोटर कैसे चला सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वीएफडी से दो मोटर चला सकते थे, लेकिन वो एक वर्किंग में होता है और दूसरा स्टैंड बाय में होता है। और अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो दोनों वर्किंग मोटर आप एट अ टाइम चला सकते हो, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको अगर एक वीएफडी से दो वर्किंग मोटर चलाना है तो वीएफडी का सिलेक्शन कैसे करना होगा आपको। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अगर वीएफडी को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको दोनों मोटर की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। सब एक मोटर सपोज़ आपका 1 किलोवाट का है, ठीक है, और दूसरा मोटर सपोज़ मोटर वन आपका 1 किलोवाट का है, ठीक है, मोटर टू आपका 1 किलोवाट का है। दोनों 1-1 किलोवाट के दो मोटर आपके हैं जो आपको दोनों चलाने हैं एक वीएफडी से। तो आपको जो वीएफडी होगा वो कितने रेटिंग का होगा, वो वीएफडी आपको दोनों मोटर की जो एडिशन होगी वो रेटिंग का आपको वीएफडी सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब 2 किलोवाट का आपको वीएफडी लेना पड़ेगा अगर आपको दो मोटर चलाने हैं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि दो मोटर है और वीएफडी तो आपको नहीं बता पाएगा कि मोटर वन ट्रिप हुआ कि मोटर टू ट्रिप हुआ, क्योंकि वीएफडी में तो एक ही टोटल करंट आपका के अकॉर्डिंग आपको ट्रिप करेगा, राइट। तो अभी दो मोटर चाहे तो हमें दो ओवरलोड रिले भी लगाने पड़ेंगे उसमें, ताकि हमें समझ में आए कि मोटर वन ट्रिप हुआ है कि मोटर टू ट्रिप हुआ। वो समझने के लिए हमें पावर में दो ओवरलोड रिले लगाने पड़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दो ओवरलोड रिले कनेक्ट किए हुए हैं, वन और टू। ये मोटर वन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा और दूसरा मोटर टू का जो रेटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। इसलिए यहाँ पे दो मोटर चलाने हैं तो हमें दो ओवरलोड रिले भी लगेंगे, ओके। तो ये फ्रेंड्स जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बताया है। उसके बाद और कैसे रेटिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको इसके अकॉर्डिंग रेटिंग कैसे सेलेक्ट कर पाओ, MCB की रेटिंग, VFD की रेटिंग, ओवरलोड रिले की रेटिंग और क्या मटेरियल लगेगा इसमें, वो सारे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी मटेरियल सेलेक्शन में, ओके। तो आइए समझते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे आएगा, सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक SLD बनाई हुई है, सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि पावर में क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सा है, MCCB ले लो आप, SFP ले लो, MCB ले लो, कोई भी सर्किट ब्रेकर आप यहाँ पे ले सकते हैं। एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट भी लेना होता है। फिर लाइन चोक लेना होगा, इनपुट लाइन चोक लगा दिया है। उसके बाद VFD आ जाएगा, मैंने जैसे बताया VFD की रेटिंग कैसे लेनी है। उसके बाद आपकी दो ओवरलोड रिले कनेक्ट हो जाएंगे पावर में एज पर मोटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग। हाँ, ये तो हो गया पावर डायग्राम। अब देखते हैं हम कि इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे होगा। कंट्रोल डायग्राम में मैं अभी जो भी बता रही हूँ वो सिर्फ मैन्युअली आप कैसे ऑपरेट कर पाओगे पैनल को वो है। बाद में मैं आपको PLC और मैनुअल दोनों का कॉम्बिनेशन सर्किट करके बताऊंगी कि एट अ टाइम आप दोनों को PLC में कैसे चला पाओ और मैनुअली कैसे चला पाओ, ये दोनों मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कनेक्शन में, सबसे पहले तो आपने को मैनुअली चलाना है तो बटन लगेंगे, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा दिया है, बेसिक है, ओके। उसके बाद क्या किया है मैंने, ओवरलोड रिले का भी कॉन्टैक्ट दिखा हुआ है, NC कॉन्टैक्ट दिखाया हुआ है और उसके बाद एक रिले लिया हुआ है। R1 क्या है यहाँ पे, एक R1 एक कंट्रोल रिले है, जो कि कंट्रोल रिले लिया हुआ है मैंने, ओके। वो क्या करता है वो मैं आगे आपको बता दूंगी कि एक्चुअली यूज होता है। तो वे रिले को मैं जब ऑपरेट करना है मुझे अगर, तो मैं ये बटन के थ्रू ऑपरेट करूंगी, ऑन ऑफ करूंगी और इसके लिए होल्डिंग के लिए, लैचिंग के लिए यहाँ पे इसका एक येनो कॉन्टैक्ट लगाया है कि मैं बटन दबाऊँ उसके बाद ये चालू हो और ये लैच हो जाए। और ये रिले क्या काम कर रहा है, ये रिले जो होगा वो VFD को कमांड देगा, सिग्नल देगा, उसको बताएगा कि अभी आपको ऑन होना है, अभी VFD को ऑन करना है, क्योंकि VFD तो पावर है, उसको तो सिग्नल देना पड़ता है तब वो ऑन होता है, तब वो कंटिन्यू वर्क करता है। तो इसके लिए कंट्रोल रिले लगेगा मुझे। तो वो रिले टोटली क्या होगा, रिले को ही हम ऑन ऑफ करेंगे, ऑपरेट करेंगे तो हमारा ये पूरा कनेक्शन काम करेगा। तो इस ये रिले अगर ट्रिप का हो गया, मतलब कभी मेरा कोई भी मोटर ट्रिप हो गया, मोटर वन ट्रिप हो गया, तो भी मेरा ये रिले बंद होना है। अगर ये रिले बंद होने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे कमांड जाएगा VFD में कि VFD को बंद कर दो, पावर बंद कर दो, तो ये रिले ओवरलोड होने पे भी ट्रिप होगा, कोई भी मोटर ट्रिप हो जाए, वन हो या टू हो, राइट। तो इसके लिए दोनों ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट जो है मैंने वो सीरीज में लगाया हुआ कि कोई भी एक भी बंद होता है तो मेरा ये VFD बंद होना चाहिए, मेरा सप्लाई बंद होना चाहिए, मेरा मोटर बंद होना चाहिए, ओके।
तो अभी इसके बाद क्या है, अभी मुझे इंडिकेशन भी लगेगा कि मेरा मोटर वन ट्रिप हुआ कि टू ट्रिप हुआ, कैसे समझ में आएगा। अब तो पैनल के अंदर रहता है ओवरलोड रिले, तो इंडिकेशन के लिए मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने बोला कि दो अलग अलग ओवरलोड रिले लगेगा ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा मोटर ट्रिप हुआ है। तो यहाँ पे ओवरलोड रिले का एक एनो कॉन्टैक्ट हुआ, जब भी मोटर ट्रिप होगा तो ये अपना लैचिंग चेंज हो जाएगी, इसकी एनो की जगह एनसी होगा और यहाँ पे इंडिकेशन लग जाएगा। वन हो गया तो वन होगा, टू हो गया तो टू हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा सर्किट है, बहुत ही हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट ये इंटरलॉक डाला हुआ है, बाकी ये ओवरलोड रिले का ये कॉन्टैक्ट डाला हुआ है, ये है सिंपल सा दो मोटर को चलाने का फंडा। ओके, अभी मैं बताती हूँ कि VFD में क्या कनेक्शन आएगा। तो फ्रेंड्स ये बेसिक सा VFD का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसके जो जो पॉइंट्स होंगे VFD में, जो पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे वो पॉइंट्स रफली मैंने दिखाए हुए हैं, डिटेल वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है VFD का। तो ये तो जस्ट यहाँ का पावर कनेक्ट हो जाएगा VFD में, और ये है इसका इनपुट ये आउटपुट टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया, ये रिले क्या करेगा, ये रिले जब ऑन ऑफ होगा तो हमारे VFD को पता तो चलना चाहिए कि मुझे ऑन होना है, तो VFD को पता होने के लिए ये रिले का जो कॉन्टैक्ट होगा वो मैं यहाँ के जो भी इनपुट पॉइंट्स होगा, जैसे L1 L2 L3 मैंने बताया था ये इनपुट पॉइंट होते हैं, मुझे जो इनपुट देना है VFD में तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे क्या कर दूँगी मैं, यहाँ पे एक रिले का जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगी, और इस तरीके से मैं ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा RL R1 का NO कॉन्टैक्ट, जैसे ही मैंने R1 ऑन किया यहाँ का कॉन्टैक्ट NC होगा, VFD को सिग्नल जाएगा कि अभी ऑन होना है, तो वो VFD क्या हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये इसमें कनेक्शन हो जाएगा, और ये मैंने बताया था जैसे कि आपको आउटपुट ये DO की तरह काम करता है, ये आपको आउटपुट देगा, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप ये इंडिकेशन लैम्प कनेक्ट कर सकते हो, एक इंडिकेशन लैम्प करो अब जिसमें आपको पता चले कि VFD मेरा चालू हुआ है कि बंद हुआ है, VFD ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, ये इंडिकेशन आपको देखना है, तो ये BC के पॉइंट में आप कनेक्ट कर दो। ओके, और भी इंडिकेशन देखना है कि VFD ऑन है, अलग इंडिकेशन चाहिए तो यहाँ पे AB में कनेक्ट कर दो। ओके, ये मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो में बताया हुआ था, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, सिंपल सा VFD का कनेक्शन हो गया। ये पॉट लगाया हुआ है जो कि बताया हुआ है मैंने कि आपको VFD का स्पीड कम ज़्यादा करना रहेगा, तो फिर ये पॉट के थ्रू मैनुअली कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये था मेरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन कि आप एक VFD से दो मोटर कैसे चला सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे अपना इतना सपोर्ट देने के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।